गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो रेलवे और एसएससी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन, एक बल्लेबाज पिछली पांच पारियों का निम्नानुसार रन बनाता है, यदि औसत स्कोर 43 है तो चौथी पारी में उसका औसत स्कोर कितना होगा। तो पांच पारियों में औसत स्कोर कितना था उसका, 43। तो 43 43 इंटू 5 15 का 5 हासिल की 1, 500 का 20 रे 21, 215 रन उससे बनाना चाहिए था पर उसने कितने रन बनाए, 92 प्लस 53 प्लस 35 प्लस 27। तो 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17 का 7, 1 2 और 1 3, 3 दुनी 6, 5 और 6 11, 11 9 20, 11 और 9 20, कितने रन बनाए, 207 चार पारियों में। तो 215 माइनस 207, तो उसे चौथी पारी में 8 रन बनाने की आवश्यकता है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, 12 24 और 45 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो 12 तो ये हो जाएगा ए बी व सी का चतुर्थ अनुपाती, चतुर्था अनुपाती, तो ये जाएगा बी इंटू सी बटा ए। तो बी का मान कितना है, 24 इंटू सी का मान 45 बटा ए का मान कितना, 12। तो 24 12 से चला जाएगा 2 बार, 45 दुना 90। आगे देखिए स्टूडेंट्स तीसरा क्वेश्चन, 12 वर्ष में किसी राशि पर साधारण ब्याज प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन के 3/5 के बराबर है। वार्षिक ब्याज की दर मूलधन के 3/5, अगर मूलधन 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 अपना अगर मूलधन अपना अगर 500 है तो ब्याज कितना होगा, 3, मतलब 300 हो जाएगा ब्याज। 300 कितने साल का है, 300 12 वर्ष में, तो 300 भाग 12, तो ये चला जाएगा 300 भाग 12, ये हो जाएगा 25। 300 भाग 12 25 हो जाएगा, तो 25 500 का कितना प्रतिशत है, 25 बटा 500 इंटू 100, तो ये 20 से 20, ये 5% प्रतिवर्ष। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन, यदि आंकड़े 11 17 अक्ष प्लस 1 3 अक्ष 19 2 अक्ष माइनस 4 अक्ष प्लस 5 का माध्य 21 है तो इनका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इनको सबको पहले जोड़ना पड़ेगा, 11 17 प्लस 11 प्लस 17 प्लस अक्स प्लस 1 प्लस 3 अक्स प्लस 19 प्लस 2 अक्स प्लस 1 2 अक्स प्लस 2 अक्स माइनस 4 2 अक्स माइनस 4 प्लस अक्स प्लस 5 बटा अक्स प्लस 5 बटा कितना है, 7, इनका माध्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 अक्ष प्लस 49 बटा 7 बराबर 21, तो ये हो जाएगा 7 अक्ष प्लस 49 बराबर 21 इंटू 7, 21 इंटू 7 147, अक्ष बराबर हो जाएगा 14, अक्ष बराबर 14, तो ये आंकड़े हो जाएंगे, आंकड़े लिख लेते हैं पहले, 14 प्लस 42 42 19 14 दुना 28 माइनस 4 28 माइनस 4 24 और 14 और 5 19, तो बहुलक बहुलक जो संख्या ज्यादा बार आती है वो तो बहुलक आ जाएगा 19। आगे देखिए स्टूडेंट्स पांचवा क्वेश्चन, 23 इंटू दो की घात ऐसा है क्वेश्चन, 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 3 इंटू 5, ये हो जाएगा पहला, दूसरा हो जाएगा 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू
तीसरा हो जाएगा 3 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 इंटू 7 की घात 2। तो एलसीएम, एलसीएम जो सबसे ज्यादा होता है, तो 2 की घात 3 सबसे ज्यादा है, तो 2 की घात 3 इंटू, फिर 3 की घात 3 सबसे ज्यादा है, फिर 5 की घात 2 सबसे ज्यादा है, फिर 7 की घात 2 सबसे ज्यादा होता है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 की घात 3, 3 की घात 3, 5 की घात 2, 7 की घात 2। आगे देखिए छठवा क्वेश्चन, ए बटा बी बराबर 4/3, ए बटा बी, तो इसका मान हो जाएगा 3a/4b, 3a/4b, 3a/4b हो गया, अब हो जाएगा 2b/3a/2। अब इसका मान इसमें रखने पर इसका मान आ जाएगा 3a+3a/2, 3a/2 = 24, तो ये हो जाएगा 3 * 3 = 9, 3 * 3 = 9, a/9a/2 = 24, 9a = 48, a = 48/9। आगे देखिए सातवां क्वेश्चन, समीकरण 5x² - 11x + 6, 5x² - 11x + 6 = 0 के मूलों का योग, तो मूलों का योग होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो माइनस माइनस प्लस 11/1 का मान 5, तो इसका मान हो जाएगा 11/5। आगे देखिए आठवां क्वेश्चन, उस सम षटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की माप 6 सेंटीमीटर हो, जिसकी भुजा की माप 6 सेंटीमीटर हो, तो सम षटभुज का क्षेत्रफल होता है 6 × √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, तो 6 × √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर की जगह 6 × 6, तो ये 4 से चला जाएगा 3 × 3, 3 * 3 = 9, 9 × 6 = 54√3। आगे देखिए नौवां क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य उस क्रय मूल्य अंकित मूल्य के 64% के बराबर है, क्रय मूल्य अंकित पर अंकित मूल्य के 64% के बराबर है। अगर अंकित मूल्य अगर अपन 100 मान लेते हैं, तो उसका क्रय मूल्य हो जाएगा 64, 4% की छूट देने के बाद, तो 4% की छूट दे दी, 96 हो गया, इनमें कितने कितने का अंतर हो गया, 96 और 64 में हो गया 32 का अंतर, 32/64 × 100, तो ये चला जाएगा इससे 2 × 100 = 50% का लाभ। धन्यवाद स्टूडेंट, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो।